السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون هم بستي بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس और जरा और बुराइयाँ करते हैं अलबत् हम इस बस्ती को सरीह शरीबरत की निशानी बना देंगे या हमने इस बस्ती को अलमंदू के लिए इबरत की निशानी बना दिया ताकि अकलमंद इससे नसीहत हासिल करें नाजर ने किराम सूर्ण की चौंतीस और पैंतीस दो आयतें हैं लूत लूतम ने अपनी कौम को डराया धमकाया अजाब से डराया कौम ने कबूल नहीं किया अल्लाह से दुआ किया इन्होंने अल्लाह का अजाब आया लेकिन अजाब के लिए जब फरिश्ते आए तो वहाँ भी उनके जराइम और बद अखलाक़ी सामने आ गई तो फरिश्तों ने तसली दिया उनको तो फिर अल्लाह ने कहा कि हम इस बस्ती वालों पर अपना अजाब नाजिल करने वाले हैं बाद में फसल ने लिखा है कि जबरी इस्लाम ने लूत सलाम की बस्ती को ज़मीन से उठाया और आसमान की बुलंदी पर ले गए और फिर आसमान की बुलंदी से उन्हें उस बस्ती को उलट दिया और फिर जमीन पर पटक दिया यानी बस्ती को उठाया बुलंदी पर ले गए आसमान की और फिर पलट दिया और जमीन पर उठाकर पटक दिया जिसको कहते हैं इस तरह से लू तलाम की कौम के लोगों पर आजाब आया और फिर जब बस्ती को पलट दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई बस्ती उठाए आसमान की तरफ ले गए ऊंचाई पर फिर पलट दिया वो तो वैसे ही हलाक हो जाएंगे पत्थरों की बारिश हुई और इतनी तेज़ बारिश इतनी तेज़ बारिश की अब उनकी लाशें सड़गल रही हैं और उनकी लाशों से बदबू उठ रही है लाशों से बदबू उठ रही है चूटी या इसी तरह से जानवर परिंदे उनकी लाशों को खा रहे हैं ये उनकी कौम पर अजाब की एक शक्ल थी तो उसी का अल्लाह ने जिक्र किया कि वो अल्लाह के हुक्म की ऐसी खुली नाफरमानी करते रसूलों को चैलेंज करते तकब्बर करते अल्लाह ने रसूलों के पास अपने रसूल यानि पैगम्बर फरिश्तों को भेजा था अजाब के लिए इंसानी शक्ल में उन पर टूट पड़े तो उनकी इखलाक़ी जो गिरावट थी इतनी ख़तरनाक थी कि फिर अल्लाह ने भी उनको आसमान की तरफ ले जा ज़मीन पर गिरा दिया यानी जैसे उनकी गिरावट थी वैसा उनको ऊपर से गिराया भी यानि सज़ा जुर्म के मुताबिक होती है तो इस आयत में और फिर इसके बाद वाली जो आयत है के हमने उस बस्ती को अकलमंदों के लिए सरीह निशानी बना दिया कि अब कोई जाए देखे कि ये वही बस्ती है जहाँ के लोग कौम लूत का अमल करते थे लिवादत करते थे रसूलों को चैलेंज करते थे तो अल्लाह ने इसे पलट दिया पत्थरों की बारिश हुई और हिला कर दिया इबरत का निशान बना दिया तो कोई आदमी जुर्म करे नाफरमानी करे तो अल्लाह को कभी चैलेंज ना करे रसूलों का मजाक न उड़ाए रसूलों को चैलेंज न करे अल्लाह उससे नाराज होता है इन आयतों से जो मसाइल साबित होते हैं, पहली चीज पहला मसला कि अल्लाह ताला आसमान पर है अल्लाह बुलंदी पर है जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है अल्लाह आसमान पर है कहा इन्ना नंजरून हम नाजिल करने वाले नाजिल कौन करेगा उतारेगा कौन जो बुलंदी पर है बुलंदी से उतारेगा नीचे जमीन पर तो अल्लाह ने इस आयत में अपनी बुलंदी का जिक्र किया दूसरा मसला अजाब की शिद्दत जब अजाब ऊपर से आता है तो और खतरनाक अजाब है ऊपर से कौन सा अजाब था पत्थर की बारिश अब ऊपर से किसी को पत्थर की यानी आप किसी के ऊपर छोटा सा पत्थर फेंक दे तो के सर फूट जाएगा चोट लग जाएगी अब बस्ती को पलटा और बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हुई अब जमीन पर वो उसी तरह हिलाक हो गए लाशें सड़ गल गई चीते उड़ गए कट पिट गई तो यह सूरत हाल थी तीसरा जो मसला इस आयत से साबित होता है कि सख्त अजाब ही नहीं आता है बेमा कानु यफ सुकून उनके उस बुरे अमल की वजह से और बुराई को चैलेंज करने की वजह से यानी आजाब हक नहीं आता यह तीन मसाइल इन आयतों से इस पहली आयत से साबित हुए और दूसरी आयत में देखिए कि अल्लाह ने कहा कि हमने अकलमंदों के लिए इबरत की खातिर उस बस्ती को बाकी रखा है यानी इस आयत में अल्लाह की हिकमत है कि बाद वाले लोग सिर्फ ऐसा ना कि कुरान में पढ़ ले बल्कि गुजरे देखें ये वो बस्ती है जहाँ फला कौम को आजाब आया था इसीलिए अल्लाह के रसूल सल अल्लाह फरमाए कि जब आजाब की बस्ती पर गुजरो तो वहां ज्यादा देर मत ठहरो अल्लाह से आफियत तलब करो अल्लाह से अमान तलब करो गुजर जाओ आज अजाब की जगहों पे कोई जाके सेल्फी ले पिकनिक करे वीडियो बनाए खुशी महसूस करे ये बहुत बड़ी मुसीबत है खुद एक अजाब का सबाब की जगह के लिए नहीं है चौथा जो मसला दूसरी से साबित हो दूसरी और पहली और दूसरी से चौथा मसला की इबरत और नसीहत अक्लमंद हासिल करता है बेखूफ इबरत और नसीहत नहीं हासिल करता कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तो कहा कि लेखाओ में या जो अकल वाले हैं अक्लमंद लोग हैं वही इबरत नसीहत हासिल करेंगे पांचवा मसला कि अक्लमंद जिसके पास अक्ल होती है वही अक्लमंद होता है और अक्ल का फायदा क्या है अक्ल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान अल्लाह की इन मुसीबतों को अजाब के इन शक्लों को देखे तो इबरत नसीहत हासिल करे अक्ल की दो सूरतें पहली सूरत अक्ल रुश्त और दूसरी सूरत अकल इदराक अकल रुश्त क्या है यानी इंसान को अल्लाह ऐसे समझ देता है कि उसके पैगाम को सुना रसूलों की बात को सुना और अक्ल हो गई समझ गया वो अकल रुश्त यानी हिदायत को पा गया दूसरी सूरत अकल इदराक की है कि इंसान के पास अक्ल है सब कुछ जानता है लेकिन जानने के बावजूद उस रास्ते को सच्चाई को कबूल नहीं करता जैसे मुलहिदीन है दहरिया है फासिक है इस्लाम को चैलेंज करने वाले हैं इनके पास ऐसा नहीं कि पागल दीवाना ही है अकल इदराक है इनके पास सूझबूझ है लेकिन अकल रुश्त यानी वो अक्ल जिसके जरिए वो हिदायत को कबूल कर सके वो अक्ल जिसके अंदर हिदायत को जज्ब करने की सलाहियत हो उससे ये बेचारे महरूम है तो अल्लाह ने कहा कि वलकत तरक नाम आयतम बैन तन लिखो मिया वाज जिनसे अक्लमंद ही फ़ायदा उठाएंगे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमें अलुशाह फरमाएल का वो दर्जा या वो मकाम जिसके ज़रिए हम हक़ को सुन के कबूल कर सकें जो रसूलों के पैरोकारों को थी उनके रास्ते पर चलने वालों को थी और हमें हर कस्म की हिलात तो और तबाही से महफूज रखे, आमीन وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ناظرین کرام آپ کی محبت کا شکریہ جزاكم الله خير لوت علیہ السلام کا ذکر اب ختم ہو گئے اختصار کے ساتھ اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم جو مدین کی تھی اس کا ذکر کریں گے اس سلسلے میں گفتگو ہوگی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے جب تک کے اجازت دیجئے جزاكم الله خير والسلام عليكم वह वुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें